Merci, merci. Fan café, fan. इंस्टाग्राम पे दिवाली के दिन ऐसे बैठ जाएंगी 74 फीट का घेरा बना के, लहंगे का घेरा बना के बैठ जाएंगी और जैसे उठेंगे पूरा पोतल जाती है इंस्टाग्राम पूरा साल बैकलेस पहन के फोटो खिंचाएंगी इंस्टाग्राम पे दिवाली के दिन ऐसे बैठ जाएंगी 74 फीट का घेरा बना के, लहंगे का घेरा बना के बैठ जाएंगी और जैसे उठेंगे पूरा पोतल में मजनू की बाहों में। सुनो जी मैडम, दिवाली भी आ रही है। हाँ जी आ रही है। और मेरी नई नई है। आओ मजनू की बाहों में। सुनो जी मैडम, दिवाली भी आ रही है। हाँ जी आ रही है। और मेरी नई नई रुक तो जा पर मुझे सिर्फ फ्लैट एचडी टीवी ही पसंद है। पसंद नहीं, इनके पसंद भी अंतर है ना। देखिए मैडम, बहुत अच्छा आपकी पसंद है। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा आपकी पसंद है। पसंद मेरी भी कैटरीना कैफ थी, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ना। पसंद है। अच्छा मुझे पटाखे दिखा। अब यहाँ पटना पसंद करेगी या बैक स्टेज में? अच्छा पटाखे दिखा। नो प्रॉब्लम, मैं आपको पटाखे दिखा। ये देखिए, ये स्पेशल हमारे पास भुवन बम पटाखा। ये बहुत ही बेहतरीन पटाखा प्रोडक्ट है। इसमें खासियत ये है, ये बंदा सब कुछ खुद ही कर लेता है। बिल्कुल ऐसे पटाखे की तरह ये छड़की भी खुद बनेगा, अनार भी खुद बनेगा, ये फुलझड़ी भी खुद बनेगा, ये लहसुन दम भी खुद ही बनेगा। सारे काम में खुद, किसी को इतना मौका नहीं देना मैडम। सारे पटाखों की इसमें बाट लगा दी है। ये आप ऐसे रखेंगे ना रैपर खोल के, ये ऐसे मैट के अपने सर का बत्ती भी खुद ही लगाएगा। ऊपर लगा था उठा, काम खत्म। बताइए पसंद है कि नहीं पसंद है? कोई और दिखा। अब दूसरा पटाखा देखिए मैडम, ये हमारे पास है, ये कैरिंग नाटी पटाखा है। ये भी बहुत बढ़िया पटाखा है इसमें। लेकिन मैं बोलूंगा, अगर आप ये पटाखा खरीदते हैं, मेरे साथ दिल्ली में भी होता है, मैं हायर करने चक्कर में इसके भूल जाता हूँ भाई। ताऊ ये कैरिंग नाटी पटाखा है, इसको सिर्फ घर के आदमी ही आग लगाएंगे, इसको औरतें आग नहीं लगाएंगी। मैडम क्या होता है, बाकी पटाखे आपने लगाए आग, ऐसे आपने आग हो गए पीछे, इसमें आप लगाएंगे ना, इसमें माबेन माबे में होती है। देखिए टीम वाला कौन करे भाई, ये सारे हंस रहे। अगर अगर हंसी आ रही है, वैसे हंसी आ रही है ना।
ये मेरे डर से बोल ऐसी आ रही है, अर्ज किया है गांजे को सिर्फ हीर देंगे, रसबरी को सिर्फ खीर देंगे, जो कमीना नहीं हंसा उसकी टांगे चीर देंगे। थोड़ी बकवास कम मारो, मुझे एक प्रेशर कुकर दिखाओ। मेरी सास को पुलाव बड़े पसंद है। मैडम ये देखिए प्रेशर कुकर, लेकिन एक सेकंड, सास का एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। सासों को ना पुलाव से ज्यादा पुलाव में इंटरेस्ट होता है। मेरे बात मानिए और जल्दी से आकर पोता दीजिए, पोता पोती एक बार दीजिए, वो ज्यादा कुछ होगी आपसे। एक बात है, एक बात है, एक बात है मैडम, सेंटर से जाए वहां गिर जाएंगे आप तो हनीमून मना के आएंगे नहीं। ये मैडम ये आप फालतू के चक्कर में सोशल एजेंट पड़ी हुई है, ये सब मना के आए अपना। आप एक काम करिए, ये सब छोड़िए इनको, आप अपना हनीमून मना के आए पहले। आप हनीमून कराते हैं क्या मैडम? उससे पहले हमारा हनीमून ट्रेवल का ही काम था मैडम। विराट अनुष्का का हनीमून का किसने कराया होगा? नहीं तुम पहले। अच्छा हमारे पास बहुत पैकेज है, आप बताइए आपको मैं हनीमून अभी भेजता हूँ। नहीं मेरा थोड़ा बजट कम है। बजट कम है कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाएंगे, उसमें आपको अपनी जेब से एक रुपया नहीं देना मैडम। लेकिन उसमें शर्त है, उसमें पति हमारी कंपनी की तरफ से जाएगा। ट्रैवल एजेंसी और हमारी कंपनी में एक आदमी काम करता है मैं मैडम। तो जैसे आपने देखी डबल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप हनीमून जाएंगी, पुलाव आपका रेडी है, वहां से आप पुलाव भी रेडी करके आएंगी। पुलाव और पुलाव दोनों की समस्या खत्म मैडम। बकवास कम मारो, मुझे इस कुकर का रेट बताओ। ये बहुत ही मैम, ये आप ले जाइए 5 लाख का ले जाइए। आपके 5 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब है? आप समझे नहीं मैडम। देखिए ये कुकर 5,000 का खाली। अच्छा बाकी के पैसे इसके नाम आपको डीवीडी देंगे ना, वो फुलाव बनाने वाली। आपको क्या लगता है ऐसे बनाता फुलाव? तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी है मैम। मेरी कैलकुलेशन हमेशा से गलत थी, मेरे कॉलेज में मैथ बहुत वीक थी। अपनी 5 गर्लफ्रेंड में 3 ही गिनता था मैडम। वेरी वीक इन मैथ्स। ये और क्या पढ़ा है वहां पे मैडम? आपको ये दिखाते, ये देखिए आप, ये देखिए ये गंदी वाली किताबें हैं मैडम, ये देखिए। अच्छी 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 ये देखिए ना, मुझे गंदी वाली किताबें नहीं देखी। अरे औरत इसमें दाल गिर गई थी इसलिए गंदी हो गई है ये। और तुम्हें ना ऐसा छींची करके बता देगी तू कौन सी किताबें पढ़ती घर पे। इतने गंदी बेवकूफा हो तुम। और सुनो, हाँ अपने आप को क्या समझते हैं बे? ऐसा के क्या बोला? अरे कहाँ जा रही मैडम? अरे कहाँ जा रही आप? इश्क़ है एक दूबा।
वेट वेट, एक बार जोरदार तालियां। तेरी मैं गए तो क्या नहीं करते हो, आप डांस भी कर लेते हो, आप स्टैंड अप भी कर लेते हो, आप बाइसेप्स भी बना लेते हो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया भाभी के लिए, जोरदार तालियां।